हेलो भाई दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिर आज हम देख सकते हो ये फोल्ड वाला टेबल फैन बनाने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक जगह फोल्ड हो रहा है, देख सकते हो नीचे एक जगह, दो जगह में यहाँ पे फोल्ड वाला सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। और इसका काफ़ी तेज़ हवा है, ठीक है। इसको मोटर में यूज़ किया काफ़ी पावरफुल और बैटरी भी। तो ये आपको देखने में लग रहा है कि 16 चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो पुराने स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बनाया था, उसको मैं यहाँ पे तोड़ दिया हूँ। उसके बाद बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं फ़ोटो दिखा दिया आपको। और यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ, देख सकते हो मार्किंग यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो। आप कौन सा चीज़ यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, वो आपको पता लग जाए। देख सकते हो यहाँ पे मैं पीवीसी पाइप यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं मार्किंग करके यहाँ पे मैं कट लगा दिया हूँ हैक से ब्लेड के द्वारा। तो इसको इस पीवीसी पाइप को यहाँ पे कुछ इस टाइप से राउंड दे दिया हूँ, हीट देकर इसको कुछ इस टाइप से पिचका दिया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये काफ़ी आसानी से ये फिक्स हो जाता है। तो वीडियो आज का पूरा देखना है, उसके बाद आपको लाइक करना है या डिसलाइक करना है वो करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल ले रहा हूँ जो कि पिछले वीडियो में यूज़ किया था, इसके पिछले वीडियो जो बनाया था। तो इसका बारे में कुछ जानकारी, ज़्यादा जानकारी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं साइज नाप ले रहा हूँ जो दर्जी वाली वो मीटर होती है, यहाँ पे 5 इंची हुआ था। और यहाँ पे इसको इस प्लास्टिक शीट को यहाँ पे आधा भाग कर लेंगे। यहाँ पे मैं पीवीसी शीट कट किया हूँ 14 सेंटीमीटर अप्रोक्स। यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर ना, मतलब 14 इंची, सॉरी 7 इंची में यहाँ पे मैं मार्क लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर भी 2.5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे मैं मार्क लगा दिया एक। और यहाँ पे मैं एक पेपर लिया हूँ, उसके बाद देख सकते हो शोल्डर का आयरन है। यहाँ पे इसको मैं गर्म देकर कुछ इस टाइप से मैं शेप दे लिया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये मोटर आसानी से यहाँ पे फिक्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इसका क्लैंप को खोल लिया हूँ जो मोटर के वहाँ पर दिया हुआ, तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो अभी मोटर क्लैंप करने के लिए यहाँ पे मैं केबल टाई यूज़ कर रहा हूँ, इसको होल्ड कर दिया हूँ इसको अच्छे से टाइट फिक्स करने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं टाइट कर देता हूँ, कुछ अच्छे से बिल्कुल टाइट करना आपको। तो यहाँ पे मैं मोटर फिक्स कर रहा हूँ, देख सकते हो ये काफ़ी हार्ड मोटर मैंने फिक्स किया। ज़्यादा अगर ढीला करोगे तो मोटर निकल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको कट कर लिया हूँ कुछ इस टाइप से। तो अभी देख सकते हो ये रेडी हो चुका है, क्लैंप हो चुका है पूरी तरीके से मोटर हमारा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो सीट देख रहे हो यहाँ पे, इसको मतलब ये पूरा पीवीसी पाइप देख रहे हो, इसको मैं यहाँ पे फेविकोल के द्वारा चिपका रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 इंची चौड़ाई है और 7 इंची लंबाई है। यहाँ पे मैं एक सीट लिया हूँ, उसके बाद ये वायर यहाँ पर ले रहा हूँ, इसको राउंड में कट करने के लिए यहाँ पर मैं मार्किंग लगा दिया हूँ सारे पीवीसी सीट में। तो यहाँ पे इसको होल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं मार्किंग लगा देता हूँ सारे पीवीसी सीट में। और इसको यहाँ पे मैं होल कर लिया हूँ, देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैं होल कर लिया हूँ। आप भी होल कर सकते हो, अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको नट और बोल्ट के द्वारा इसको यहाँ पर चिपका दिया, और ऊपर वाला को मैं यहाँ पर मैं नट और बोल्ट के द्वारा चिपका देता हूँ। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की एक 7 एम्पेयर बैटरी है, लेड एसिड बैटरी, इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्जिंग जैक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यूज़ करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। और आप यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करने के लिए यहाँ पर बना रहे तो देख सकते हो यहाँ पर मैं वायरिंग कर लिया कुछ इस हिसाब से। इसका वायरिंग बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन दे देता हूँ मोटर और बैटरी के साथ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दिया हूँ बीच में, एक बार कट करके यहाँ पे जब ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और एक डायरेक्ट मैं लगा दिया हूँ बैटरी में। और देख सकते हो यहाँ पे स्विच को इस टाइप से फिक्स करके यहाँ पे मैं फिर खोल के दोबारा चिपका दिया हूँ और धूप में रख दिया हूँ, कुछ देर के बाद यहाँ पे सूख जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 फोल्डेबल मिल जाता है, 2 फोल्डेबल। और इसको आप स्टडी कर रहे हो आगे, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको टेबल में रख सकते हो, काफ़ी काम आएगा। यहाँ पे गर्मी का दिन आ गया है, तो अगर आपको 5 वोल्ट भी वाली फ़ैन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से घूम रहा है मोटर काफ़ी तेज़ी से, लेकिन यहाँ पे कैमरा में कैप्चर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये मैं मोबाइल का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कैमरा के में कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो ये काफ़ी हवा दे रहा है। और इसको मैं साउंड टेस्ट नहीं किया, मतलब साउंड नहीं सुनाया, तो इसलिए सॉरी। तो ये काफ़ी एयर दे रहा है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक जुड़े हुआ वाहेद टेक्निकल से।